ये वो सब गाइस कैसे आप सभी लोग आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। भाई साहब आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि भाई साहब आज हम चोरी करने जा रहे हैं और आज हम चोरी करने जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी, वो भी भाई साहब सिमियोन के शोरूम में। एक बंदा सेल में है ना, उधर ड्रीवर करता है, वो उधर जाके घरों में जाके हम उससे ही चोरी करने जा रहे हैं सिमियोन के शोरूम से। सिमियोन के शोरूम के साथ जो डिलीवरी मैन है उसका, वहाँ उसे चोरी करने जा रहे हैं। वो डिलीवरी करने गया हुआ गाड़ियाँ, लेस्टर ने मेरे को खबर बता दिया। लेस्टर ने कहा वहाँ पर लैम्बोर्गिनी में जाकर चोरी करो तुम और जाके पकड़ लो उनसे। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, और लेस्टर ने मेरी बाइक दिया जो यहाँ की मेड लॉस सेंटर्स में मेड हुई हुई है। बहुत अच्छी बाइक है और बहुत ही अच्छी स्पीड है इसकी, देखें इसका इंटीरियर बहुत अच्छा। अभी हम ले, इसका नाम है डिंका कुमा, हम लेके चलते हैं। अभी लेस्टर ने जो मेरी जगह बताई है वो क्यों वो दूर गांव में है, लेकिन सिमियन का शोरूम यहाँ पे है, लेकिन जो वो जगह है ना वो बड़ी दूर है, गांव में है। ये यहाँ पे कहीं पे है, इस जगह में कहीं पे है, ये देखिए यहाँ पे है, बड़ी दूर है। लेकिन ये जो बाइक जो लेस्टर ने हमें दिया ना, लेस्टर ने कहा तुम इसमें 5 से 7 मिनट 4 से 5 मिनट में पहुंच जाओगे और हम इसी से जाएंगे आज। और ये देखे यार लॉस सैंटोस का आज बहुत ही सुनहरा मौसम हुआ है, हमने बाइक भी चालू कर दिया या हमने हेलमेट भी बांध लिया। हम जा रहे हैं अपने लॉस सैंटोस के चोरी करने और बहुत ही मजा आने वाला चोरी करने। बेसिकली लेस्टर ने हमें सारा प्लान बता दिया कि लेस्टर ने कहा कि हमें कि तुमने जाना चुप करके उधर, वो बंदा है जो डिलीवरी मैन है उसका, हमने चुप करके उसको चाकू मार के मार देना है और बाकी ये चोरी कर देनी है उसकी गाड़ी, गाड़ियाँ चोरी कर देनी है लैम्बोर्गिनियाँ। वो इम्पोर्ट करा के आ रहा था वापस और उधर से इसने डिलीवर कर दी थी, मैं उनके पास लेकर नहीं जानी थी। अब मैं आपको सारा प्लान बताता हूँ, हम लेके जाएंगे, हम चोरी करेंगे ना उसके पास से, तो फिर हम ना उसके फेक कागजात बना देंगे, फेक कागजात बना के हम ना बेच देंगे। हम शोरूम ले लेंगे, अगर आपको पता नहीं था, हम एक दो दिन में शोरूम लेंगे और उधर से हम शोरूम में बेच देंगे फेक। इस तरह ही हम चोरी चोरी करके बेच दिया करेंगे और हम फेक पेपर बना के बेच दिया करेंगे। ये लेस्टर का प्लान है, लेस्टर भी हमारे साथ होगा, 50% उसका 50% मेरा, लेस्टर हम दोनों साथ होंगे। माइकल शायद आ जाए, माइकल आना होगा, आ जाएगा नहीं आना होगा ना आएगा। और ये देखिए ये प्लान है कि हमने चोरी करनी है, जो गाड़ियाँ चोरी करनी है हम गाड़ियाँ चोरी करके लाई जाएंगे और हम उसके फेक पेपर बना देंगे। जितने की गाड़ियाँ होंगी उसमें से बिल्कुल 1 लाख के फेक, मसलन 10 गाड़ियाँ उसमें से 10 सारी गाड़ियों के एक एक 1 लाख के बनेंगे पेपर, फेक पेपर, और इतना लाखों प्रॉफिट, इतने मिलियंस डॉलर हमें प्रॉफिट हो जाएगा और हमें काम करने में मज़ा भी बढ़ाएगा। इसलिए लेस्टर ने हमें सारा प्लान बता दिया हुआ, हम वो चोरी करने जा रहे हैं। पहली हमारी चोरी होने लगी है ये गाड़ियों की, ठीक हो गया, डन हो गया। अब आपको सारा प्लान समझा दिया, अब चलते हैं तेजी से उसकी तरफ, ज़रा दूर नहीं है, पास में ही है, 7-8 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखें ओ किधर हम गिर गए हैं, छोटा रास्ता हमने पकड़ लिया भाई, देख लें छोटा रास्ता हमने पकड़ा, हम छोटे रास्ते पकड़ते हैं, ज़्यादा लंबे रास्ते नहीं पकड़ते। ये जो बाइक है ना, ये देखें बहुत अच्छी बाइक है जो हमने ये पकड़ी है ना बाइक, लेस्टर ने हमें दिया है, तुम यार ले लिया करो चोरी करने के लिए, तुम्हारे लिए बेस्ट, क्योंकि इसकी स्पीड भी आसमानों से बातों करने वाली है और ये चलती भी, इसकी हैंडलिंग भी बड़ी आला है, देखना ये हैंडलिंग इसकी बड़ी आला, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए लेस्टर ने कहा तुम ये जल्दी से चोरी करके और आओ मेरे पास आओ, मैं इसे फेक कागजात बनवाता हूँ, तब तक तुम आओ, जब तक तुम आओगे मैं फेक कागजात बनवा देगा लेस्टर और जाके हम बेच देंगे, पहले शोरूम खरीदेंगे ना, ये बात है ना, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम जा रहे हैं फुल स्पीड में, हाईवे पकड़ लिया, बाइक की स्पीड चेक करना यार, अब बाइक की स्पीड चेक करना, ये देखो कितनी स्पीड में जा रही है। रास्ता जरा दूर नहीं, पास में है, लेस्टर ने बता दिया, अब जाके चेक कर लेते वहाँ पे है कि नहीं। लेस्टर ने हमें सारे प्लान बताए हैं, लेस्टर ने सारा प्लान हमने सोच समझ के मारे हैं और जाके हम चोरी करने जा रहे हैं अपनी लैम्बोर्गिनी। और भाई साहब वो जो लैम्बोर्गिनी है, मैं आपको लैम्बोर्गिनी है, इतनी सारी लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी ज़ेंटरोन, इस तरह की सारी फरारी भी है उसमें। एक मुझे लेस्टर ने बताया गया कि इसमें फरारी रेप्लिका भी है एक, और जाके चेक करते हैं, तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ, बाकी 5-6 गाड़ियों का नाम नहीं याद, बाकी 2 गाड़ियों का मुझे अच्छी तरह याद है। चलो ठीक है चलते हैं और जाके देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ लेस्टर ने मंगवाई हैं। बस हम पहुँचने लगे, जो लेस्टर ने बाइक दी है ना इसकी स्पीड ही बड़ी तेज़ है, गाँव जाने में इसको 5 मिनट नहीं लगता, अभी देखना ये एकदम ही पहुँच जाएगा। ओ कोई दिक्कत नहीं, हम थक गए यार, हम थकते हुए जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठते हैं अपनी मोटरसाइकिल में। हम गांव पहुंचने लगे थे, हम थूक ही फजूल में गए हैं। अब आराम से चलानी होगी, लेस्टर की बाइक जो है ना वो बड़ी तेज है, अब आराम से चलानी होगी यार, बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी हम निकल आते हैं, चलो चलो हम आ चुके हैं,
पहुंच चुके हम गाँव के। अब यहाँ पे गाड़ी पकड़नी होगी और गाड़ी चोरी करनी होगी हमें। पास में ही है, मुझे जहाँ तक ख्याल लास्ट ने बता दिया ना, पास में ही है, यहीं कहीं पे है। देखते हैं अभी यहीं कहीं पे है कि नहीं। लास्ट ने हमें बताया कि यहीं कहीं पे है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ की कहीं पे उसने जगह बताई थी, तुमने उसने कहा था वो अस्पताल के पास आना है तुमने, और साथ ही तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। मैं देखता हूँ किधर है, इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है यार। इधर कहीं इसने बताई थी ये शॉप, उसने क्या नाम है, हाँ जी यही शॉप बताई थी यार उसने, तुम्हें पंगा लेना, फ्लिका का नाम की शॉप बताई थी उसने, कहा था उसके साथ गली है पतली सी, इधर खड़ी होगी यार गाड़ी, इधर तो मिल रही है नहीं हमें, किधर गई। और वो नहीं फैंटम ट्रक यार, बंदा भी उधर ही, बंदा भी उधर ही है, हमें पिछली गली से जाना होगा। लास्ट ने हमें सही बताया था यार, शुक्र हमें मिल गई है। अभी छुड़े से आराम से बंदे को मारना होगा, अभी जाके चेक करते हैं क्या सीन क्या है पूरा का पूरा। अब जाके चेक भी करते हैं कौन सी गाड़ी हमें मिली है। ये मैंने छलांग मार दी, वो देखे ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हम शौक रहेंगे हम वैसे इधर घूम रहे हैं। और वो देखे वो बंदा खड़ा हुआ, ये मुझे, ये इसका सेलमैन ड्राइवर है, वो जो सिमियोन के शोरूम का सेलमैन, वो ड्राइवर है ये। लोग का ड्रिमिया बन जाता है, वो सब सिगरेट सिगरेट पी रहा है। अगर इसको हम खत्म ना करेंगे ना तो ये हमें फंसवा सकता है, ऐसे फंसवा सकता है ये पुलिस पुलिस को फोन कर देगा कि मैं ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये ऐसा बंदा था इसकी ऐसी शक्ल है। तो हम इसे खत्म करना होगा, इसके पहले इसे ही खत्म करना होगा। चलो हम चाकू कौन सा निकालें, चाकू निकाल लेते हैं हम। नहीं नहीं हाँ जी ये सही है, इसका एकदम हम मत्था फोड़ देंगे यार। ये बंदे खड़े हैं फजूल में, इन बंदों को भी खत्म करना होगा। चलो यार तू भी ले, चल मार दिया मार दिया मार दिया, पुलिस पड़ चुकी है, ये बंदे भाग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लेके भागते हैं, कोई हमारा पुलिस नहीं बिगाड़ सकती कुछ। रिवर्स गियर डालते हैं भाई साहब, पीछे हो जाओ, अभी मैं रिवर्स करूंगा और तुम लोग नीचे आ जाओगे। कर दिया ना रिवर्स, पीछे आ गए ना तुम। ओ भाई लोगों मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो एक बुगाटी है और एक, ये देखो फरारी रेप्लिका है और एक बुगाटी है, और ये देखो लैम्बोर्गिनी है भाई, ये क्या बात है। ये टोटल 5 गाड़ी, एक गाड़ी उसने ड्रीवर कर दी होगी, 1 2 4 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उसने ड्रीवर कर दी, हम थोड़ा लेट हो गए, इधर ही कहीं ड्रीवर करी होगी, लेकिन शुक्र है हमारी इतने $1,000,000 का नुकसान होकर बच गया, नुकसान नहीं बल्कि हमें फ्री के इतने $1,000,000 बन गया। हम लसमियों हमें कहेगा कि तुम कहाँ से लाए हो, हम उसको कागज़ दिखा देंगे, हम कहेंगे हमारे कागज़ है, लीगल कागज़ है, लीगली हमने इम्पोर्ट कराई है। और ये जो बाकी जो आम गाड़ियाँ ना वो इधर आम फिरती रहती हैं, ये जो गाड़ियाँ ना लैम्बोर्गिनी बुगाटी वगैरह, ये ना इम्पोर्ट होके आती हैं। अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, उसको घर में छोड़ के आते हैं। चलो जल्दी चलते हैं अपने पुराने घर में छोड़ के आएंगे, क्योंकि नया घर ना हमने नया नया लिया, उधर ना पतली गलियाँ, ये ट्रेलर ना उधर घुसने नहीं वाला। अपने पुराने घर में चलते हैं, पुराना घर यहाँ करीब में है, और पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है। पता नहीं चाकू मारा सिर्फ हमने, और पुलिस का झंडट भी खड़ा हो गया यार, पता नहीं क्या चक्कर है पुलिस का। ये हमारा घर है पुराना, पुराने घर में चलते हैं हम, पुलिस का ना फजूल में झंडन खड़ा हो जाता है यार। और ये जो फैंटम ट्रक है ना, सही महंगे वाला ट्रक है, सिमियोन के पास हर बार यही होता है, महंगे वाला ट्रक है ये, कोई आम बात नहीं है कि सस्ते वाला ट्रक है, ये बहुत ही महंगे वाला ट्रक है, और इतना महंगा कि आपको बता नहीं सकती, $1,00,000 का ट्रक है। और ये जो गाड़ियों की प्राइस है ना, ये $6,000,000 की, ये फरारी लैपली का $6,000,000 की, 6 मिलियन, और ये और बुगाटी भी $5-6 मिलियन की है, 6 मिलियन लगा दो बुगाटी का, चलो $12 मिलियन। और ये देखें एक ये है फरारी, और ये है लम्बोगिनी, और इसका लगा दो $12 मिलियन में, $6 मिलियन और लगा दो, चलो 16 मिलियन, $18 मिलियन हो गया भाई हमारा कितना। और एक और दो ढाई $3 मिलियन की गाड़ी है, $2 मिलियन की गाड़ी, वो लगा दो, चलो भाई साहब $20 मिलियन हमारे पास फजूल का फ्री में आ गया, और उसमें से 1,00,000 के वो निकलेंगे, और ये हमारा साढ़े उन्नीस मिलियन डॉलर, साढ़े चलो $19 मिलियन लगा लो, $1 मिलियन और निकालो, $19 मिलियन का फायदा हो गया हमें भाई साहब, मेरे प्यारे दोस्तों $19 मिलियन का हमें फायदा हो चुका है, हम बहुत खुश हैं इसमें, हमारे पीछे पुलिस भी छूट चुकी है, और इतना मुझे फायदा हुआ ना। और $1,00,000 का तो ये फ्री का मिल गया हमें, जो फैंटम ट्रक है ये $1,00,000 का, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये अच्छे वाला है। इसका इंटीरियर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, छोड़ो यार इंटीरियर क्या करना है, मैं कह रहा हूँ सबसे महंगे वाला ट्रक है ये, देखें अभी इंटीरियर दिखाता हूँ, इससे ही ना बटन दब नहीं रहा, ये देखें ये इंटीरियर अपना फैंटम ट्रक का, ये देखें यार मेरे दोस्त भाई साहब, ये महंगे वाला इंटीरियर है यार, क्या बात है क्या बात है। इसकी फुल स्पीड है 100
20, हाँ जी 120 इसकी फुल स्पीड है। हम अभी जा रहे हैं 80 की स्पीड में, वो भी हाईवे पे। अभी हम अपनी स्पीड दिखाते हैं। इंटीरियर पे जाने में ना और ही मजा, लेकिन ठुकती बढ़िया इंटीरियर चलाने में। ये देखें इंटीरियर में चला रहा हूँ ना, ये ठुकती बढ़िया। ये देखें ये हाईवे कितना लो सेंटर्स, कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर फुली सुंदर। अभी हम 100 की स्पीड में जा रहे हैं, फुली 100 की स्पीड में अब हम जा रहे हैं। ओ भाई साहब बच गए बच गए बच गए बाबा, अनअटैच ही ना हो जाए। ये देखें इसका पीछे बैक साइड में सोफा लगा है, पीछे हम गाड़ी खड़ी करते हैं। आर्म रेस्ट की इसकी सीटें लगी हुई हैं, बाकी ये विंडो पावर विंडो नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है दिखा दिया आपको इंटीरियर कुछ, अब ऐसे ही चलाते हैं यार। यार हमने फजूल में ठोक दी गाड़ी हमारी, इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा, अनअटैच हो गया तो भाई साहब, इसलिए हम सही चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। चलो 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 हम ऐसे चलाने, अनटैच हो गया भाई, अनअटैच हो गया, अनअटैच हो गया। गिरना चाहिए तेरी मेहरबानी, गाड़ियाँ ना गिर जाए, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये पुलिस ये कहाँ से आ गया बंदा, तू तो बड़े हो यार। ये रेड जोन दिखा रहा है हमें, इसको हम छोड़े अभी, तुम्हें नहीं पकड़ने वाले क्योंकि हमारे टाइम नहीं है। आगे सारी रोड ही ब्लॉक हुई हुई है क्योंकि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। गलत रास्ते पे आना गलत बात है, लेकिन हम तो आएंगे यार। अब हम जा भी नहीं सकते ना अपना ट्राला लेके, गाड़ी होती तो और बात थी, लेकिन ट्राला लेके हम जा भी नहीं सकते। आपको पता ही है ट्राला लेके जाना कितना मुश्किल, ट्राला इन रोडों में लेके जाना बड़ा ही मुश्किल है, हाईवे बड़ा तंग है। आगे जाके कट आता, उधर जाके हम मोड़ देते हैं। चलो यार यहाँ नाम भी मोड़ना होगा वरना गाड़ियों का नुकसान हो जाएगा, बड़ा 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 बहुत बड़ा नुकसान। बच गए बच गए बच गए, बहुत बड़ा शुक्र है नुकसान होने से बच गया हमारा। 20 मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाना था, गाड़ी सीधा खाई में जाके गिरनी थी, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना था। अब सीधा हम लेके चलते हैं अपने घर में। हम इस वक्त 110 की स्पीड में चला रहे हैं, मतलब 10 स्पीड का हम 110 की स्पीड में चला रहे हैं, फुल मतलब फुल स्पीड से 110 की स्पीड में। और ट्रेलर संभालना बड़ा ही मुश्किल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई आम ड्राइवर नहीं चला सकता। ये जो जो असली ड्राइवर है ना, सही ड्राइवर है, वो चला सकता है। ट्रेलर चलाना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर 5-4 गाड़ियाँ लोडेड हुई हुई हैं, बहुत ही मुश्किल काम है ये। अब हम जा रहे हैं सीधा अपने घर की तरफ, और हम ये देखें कितना प्यारा लॉस एंजेलिस का सुंदर सीन है यार। मैं कहता हूँ क्या ही बात है, क्या ही बात है, लॉस एंजेलिस का इतना सुंदर सीन है। और ये देखें कितना यार लाइटें इसकी बड़ी प्यारी हैं, लाइटें भी बड़ी महंगी हैं, 1,00,000 डॉलर की तो सारी लाइटें लगी हैं इधर। और ये हाईवे पर हम पहुँच चुके हैं यार। अब आगे पहाड़ जो लॉस एंजेलिस की ये जगह है ना, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। सिर्फ किस वजह से, ये पहाड़ों की वजह से, ये पहाड़ों की वजह से खूबसूरत जगह लगती है। हम इस वक्त हमारी सीट है 115 स्पीड है हमारी। और यार ये देखें ये ट्रेलर हम चलाते हुए जा रहे हैं, 5 गाड़ी है हमारे पास, 5 गाड़ियाँ, एक फ्राइड अप्लिका, एक बुगाटी है, एक हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, और एक हमारे पास ये है क्या कहते हैं 2.5 मिलियन डॉलर की गाड़ी है। और इतनी महंगी महंगी गाड़ी मैं आपको बता नहीं सकते। देखो पहाड़ का सीन कितना प्यारा लग रहा, दिल कर रहा है यार ट्रेलर ऊपर पहाड़, लेकिन चढ़ा नहीं सकते यार सीधा। हमारा 20 मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 मिलियन डॉलर का नुकसान। अभी इस वक्त हम 20 मिलियन डॉलर 21 मिलियन डॉलर हम ट्रेलर पे लेके जा रहे हैं। कोई आम बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये आम बात नहीं है, बहुत ही महंगी चीज़ें लेके जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठोकना नहीं। हमने ठोके तो ऐसे हमारे अनअटैच होगा, उड़ते हुए हमारी गाड़ियाँ गिरेंगी, गाड़ी का कुछ भी नहीं बचेगा, गाड़ी का निशान भी नहीं बचेगा। इसलिए ध्यान से चलानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम लेके जा रहे हैं अपने घर की तरफ फुल स्पीड में, घर के पास जाके खड़ा कर देंगे। नए मतलब घर में नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि वहाँ पे पतली गली है, उधर घुसना नहीं हमारा ट्रेलर, और बड़ा नुकसान हो जाना है हमारा 20 मिनट का। इसलिए हम आराम आराम से जा रहे हैं, तेज नहीं चला रहे। और ये देखिए ये बहुत ही चौड़ा हो रहा है, ये SUV वाला, मेरे से अभी इसको ट्रेलर भगा के दिखाता हूँ। सीधे तो भाई 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 बच गए, अभी 20 मिनट के नुकसान से बच गए। अभी तेज भगाने के चक्कर में मैं बच ही गया यार, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, शुक्र है बच गए हम। पास में ही है, बस 1 मिनट का रास्ता रह गया, देखे आपके सामने है। 4 मिनट में हम पहुंच गए थे अपनी बाइक में, और अब 5-6 मिनट हो गए हैं, हम अभी पहुंच रहे हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं आपके सामने। बाइक की कितनी स्पीड थी, बड़ा नुकसान हो गया बाइक का भी, वो लेकिन सस्ती बाइक थी, 2.5 मिलियन डॉलर की बाइक। और ये जो गाड़ी है ना 20 मिलियन डॉलर का है, और इसको आराम से चलाना होगा। ट्रक भी 1,00,000 डॉलर का तकरीबन है, बाइक से सस्ता ही ट्रक का। ये देखा यार पहाड़ जो ये यहाँ पे नहीं होते हैं, क्या कहते हैं पहाड़, बड़े मज़े के लगते हैं यार, जो मम्मियाँ नहीं होती वहाँ पे, हाँ ये वो वाला मुल्क लग रहा है इसी टाइम। ये जो पहाड़ है ना, ये वो वाले सीन देने हैं, सीन याद कराने हैं जहाँ पे मम्मियाँ होती हैं। क्या मुल्क का नाम निकल गया, चलो छोड़ो। ये हम हाईवे से पहुँचने लगे हैं सीधा अपने घर की तरफ,
और यहाँ वो जब जब हम पहुंचने लगते हैं शहर की तरफ, लॉस सैंटोस की तरफ, और वहाँ वहाँ रश हो जाता है। देखिए यहाँ पे सामने पीछे कितना रश कम था, अब देखे कितना रश हो जाएगा। अब ये ना कहना कि मैं ठोकी जा रहा हूँ, मैं खुद ठोक रहा हूँ, ठोक में तेरा मज़ा आ रहा है ना। ये देखे ठोक में तेरा मज़ा आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हम शोरूम दें कि ऐसे बेच दें अपनी गाड़ियाँ। ओ पतली गली आ गई, ध्यान से ध्यान से, और तू तो पीछे हो जा, नज़र नहीं आ रहा। 20 मिनट दौड़ की गाड़ियाँ जानी पी, मैं नज़र आना पिया। बीप बीप बीप, चलो 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 पड़े हो, बीप बीप, चलो चलो चलो, हम जा रहे हैं फुल स्पीड में। इस वक्त इस ट्रेलर की स्पीड अभी बहुत ही छोटा हो रहा है, वीगो डाला लगा के। अभी इसको जाते अपना डाले की स्पीड ज़्यादा। अब बता बच्चू, सर गया ना? ओ बच गए बच गए बच गए, मोड़ काटते हुए टायर ना अटैच हो गया। बच गए बच गए बच गए, बच जा, 20 मिनट का नुकसान हो जाना था अभी। अब अटैच करते हैं आराम से, मेरी तो जान ही निकल गई थी यार, फिर हमारी सारी मेहनत ही बिगाड़ जानी थी। कोई ठोक ना दे बस आके, ये डर रहा यार। आगे तुम लोग चले जाओ, फजूल में सिग्नल पे खड़े हो गए तुम लोग, आगे मेरा 20 मिनट डोर का नुकसान भी। ये मुझे ये ट्रेलर की ना ये भी बड़ी अच्छी बात लगती है, जो इसका नीचे स्टैंड लगा ना, ये गाड़ियों को बचा देता, बचत हो जाती है, और बड़ा मजबूत स्टैंड है। और जो दूसरे ट्राले होते हैं, ट्रेलर होते हैं फैंटम के अलावा, उसके नीचे स्टैंड ही नहीं लगे होते। स्टैंड जब हम अटैच करते हैं ना, ये ऊपर चला जाता स्टैंड। ये ना ट्रेलर की मुझे ना बहुत अच्छी बात लगती है, यही तो इसकी बात है ट्रेलर की। इसलिए तो ये $1,00,000 का, बाकी तो $10,000-$20,000 के मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं वो। लेकिन वो बहुत ही गंदे क्वालिटी के होते हैं, उनके अंदर क्वालिटी नहीं होती। इसके अंदर चेक किया आपको, इंटीरियर कितना प्यारा लगा हुआ यार। चलो चलो चलो, हम बातें बहुत करनी है, अब जोड़ते हैं अपना ट्रक। यार नीचे पहाड़ है ना, इससे दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा अभी, इसलिए सही तरह जोड़ा नहीं जा रहा। जुड़ गया यार, ये गाड़ियाँ बड़ी दिक्कत कराती हैं लॉस सैंटोस की। पतली गली में लाना ना बहुत ही मुश्किल है अपना ये ट्रेलर ना, इसलिए हम पतली गली में ज़्यादा ला नहीं रहे। अपने नए वाले घर पर लेकर नहीं जा रहे, पुराना घर में हमने बेसिकली बेचा नहीं, हमने रखा हुआ है, एम ही रखा हुआ है। कोई आके रेलवे कभी कभी हम चीज़ें छोड़ आते हैं उधर, इसलिए हमने पुराना घर में जा रहे हैं, वरना हमारा नया घर है उसलिए हम जाते हैं उसमें। कोई दिक्कत नहीं यार, ट्रेलर में चलाने बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। कभी कभी ट्रेलर चलाने में कभी कभी मज़ा आता है, और ठोकने में ना गाड़ियों को, ये देखो उन्हें ठोके तो हम खुद उड़ के जा गिरते हैं, लेकिन इधर ठोकने में बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही मज़ा आता है यार। चलो भाई साहब, घर पहुँचने में तो बड़ी देर लग रही है यार ट्रेलर में। बाइक में हम 4 मिनट में पहुँच गए, तब 6-7 मिनट हो गए हैं, देखते कितना रास्ता रह गया, बस थोड़ा सा ही रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो 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 चलो, यहाँ पे हमने जाना है सीधा। जहाँ हम अपनी तरफ से फुल स्पीड ही हैं, लेकिन यह कंट्रोल अनकंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए हम स्लो स्लो चला रहे हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, दिक्कत होती है ना तो फिर बहुत बड़ा मसला ना खड़ा हो जाता है। और ये भी मेरे ट्रॉला की बड़ी अच्छी बात लगती है कि इसमें गाड़ियों को क्रैश प्रूफ पड़ते हैं, आपके सामने क्रैश प्रूफ पड़ा नहीं पड़ा। चलो चलो चलो, अभी भी ये भी एक और ट्रॉला जा रहा है, कोई और ट्रॉला था, लेकिन फैंटम फैंटम ही है, फैंटम फैंटम ही है भाई, मैंने आपको कैसे कहा था, फैंटम फैंटम ही। अब हम पहुँचने लगे हमारी अगली गली में, घर है पिछली गली में, बस यहाँ से हमने सीधा जाना है, और अगली गली में हमारा घर आ पहुँच चुका, उधर जाके हम खड़ा कर देंगे अपना ट्रॉला। और बस स्पीड में जा रही है, बस क्यों आ गई है इतने पतली गली में, बस को हम ठोकते ठोकते हम जा रहे हैं फुल गाड़ियों को ठोकते ठोकते, क्योंकि हम सिग्नल पे रुकने नहीं बोले। ये देखें नया प्लाजा बन रहा है लॉस सैंटोस में, और ये जो प्लाजा है ना, पता है किसने आपके भाई ने खरीदा प्लाजा, अभी हम बेच के खरीदा नहीं है, मैं खरीदने का मन चाह रहा मन, क्योंकि हम ये गाड़ियाँ बेच के मैं सोच रहा हूँ कि आज खरीद लें, योज खरीद लें, या ये खरीद लें प्लाजा, ये जो नया बन रहा है, ये मेरा दिक्कत बहुत बढ़िया है। मैं सोच ही जा रहा हूँ, मुझे सोचने में बड़ा टाइम लगता है, ये बड़ी दिक्कत है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हम योज खरीदें या ये प्लाजा खरीदें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी लड़ाई का आगाज़ कीजिएगा। तब तक हम पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। चलो चलो पीछे पीछे हो जाओ, अबे पीछे हो जाओ, येलो गाड़ी वाले, येलो टैक्सी वाले बाबूनी, ओ आ गए, वाइट गाड़ी वाला एक और आ गया है, येलो वाइट गाड़ी वाले से बचते बचते हम पहुंचे ट्रेल के आगे, ठोके में जान बची तो लाखों पाए, और जान बचते बचते हमारा 20 मिनट का नुकसान होने लगते लगते बच गए। और यहाँ से हम जाएंगे पीछे पीछे, और यहाँ से हम जाएंगे पीछे पीछे, और यहाँ से हम जाएंगे पीछे पीछे, और यहाँ से हम आगे आगे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ट्रेलर खड़ा है, कोई नुकसान पहुँचाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम, उसकी ऐसी कर तैसी कर देंगे। यार ये गाड़ी वालों को बड़ी जल्दी होती है, गंदे बंदों को ना बड़ी जल्दी होती है, सही कह रहे हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है। और यहाँ पे रेड रेड निशान मैं फजूल का दिखा रहा, अभी इनको गन दिखाऊंगा ना इनकी भाग जाएगी। बस जब हम वहाँ पहुँच चुके हैं अपने घर की तरफ, और यहाँ पे हम करने लगे अपना पार्क। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दोबारा मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की सारी वीडियो आप तक पहुंच रहे। बाय, ओके, बाय बाय एंड टाटा।